हेलो एवरीवन, कैसे आप सब? होपफुली आप लोग अच्छे होंगे। और मैं हूं अपने एक नए किचन में। ये हमारी R&D लैब हमने स्टार्ट की है, कहाँ पे? नोएडा के अंदर। ठीक है, थोड़ा सा मैं आप लोगों को दिखाता हूं। आज यहाँ पे हमारे जो इक्विपमेंट आए हैं, ये पूरे इक्विपमेंट भी हमारी ही कंपनी के थ्रू हैं। ठीक है, ये पूरा का पूरा सेटअप हम लोगों ने कराया है। और यहाँ पे हम लोग रिसर्च करने वाले हैं लो कार्ब फूड के ऊपर। मतलब कि यहाँ पे हमारा 2-3 महीने करीब हमारी R&D चलने वाली है लो कार्ब फूड के ऊपर, और जिसके की बाद हम लोग मार्केट के अंदर एक प्रोजेक्ट हम लोग पूरा का पूरा लेके आएंगे लो कार्ब के ऊपर। तो यहाँ पे अभी हमारी जो ट्रेनिंग्स हैं स्टाफ के लिए, वो चालू हुई हैं। ठीक है, तो उसी की ये एक वीडियो है। और आज जो हम टॉपिक ले रहे हैं वो है हमारा फूड रीहीटिंग का। ठीक है जी, अब ये फूड रीहीटिंग का मतलब क्या होता है कि फूड को दोबारा कैसे गर्म करें। अगर आप एक खाना बना लेते हो होटल के अंदर, तो ये नहीं है कि वो एक दिन में ही ख़त्म हो जाएगा। उसको ख़त्म करने के लिए, ठीक है ना, आपको 2-3 दिन लगते हैं। ठीक है, अब अगर आप बोलते हैं कि भैया कि मैं खाना बिल्कुल फ्रेश बनाऊंगा, फ्रेश ही दूंगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता है होटल के अंदर। यहाँ पे सारे के सारे जो फूड सेफ्टी के रूल्स हैं उनको फॉलो किए जाते हैं, जिससे कि खाना आपका कम्प्लीटली सेफ रहे। तो यहाँ पे जो सबसे बेसिक रूल है, ठीक है, सबसे पहले कि हम लोग खाना किस तरीके से रीहीट करेंगे, गर्म करेंगे, तो 3 तरीके हैं। पहले तो मेरा ओवन है, ओवन के अंदर मैं अपने खाने को रीहीट कर सकता हूँ। दूसरा मेरा माइक्रोवेव है, और तीसरा मेरा यहाँ पे स्टोव है, या फिर हमारे बर्नर। ठीक है, इस तरीके के बर्नर हो गया। ठीक है, ये हमारा माइक्रोवेव ओवन है हमारा, माइक्रोवेव आई थिंक अभी हमारे पास है नहीं, हम लोगों को वो परचेज करना पड़ेगा। अब कोई भी अगर आप खाना गर्म कर रहे हैं, ठीक है, तो रूल है कि आपको उसका जो इंटरनल टेम्परेचर है, आपके पास एक थर्मामीटर भी होना चाहिए, तो उसका जो खाने का इंटरनल टेम्परेचर है वो आपका 74 डिग्री सेल्सियस तक जाना चाहिए, एटलीस्ट 15 सेकंड तक। मतलब कि अगर आप दाल गर्म कर रहे हो, तो दाल का जो टेम्परेचर है, आपने एक बार दाल गर्म कर दी, उसके बाद आप स्टोव बंद करोगे, उसके बाद अपना जो थर्मामीटर की नीडल है वो डालोगे, और आप देखोगे एटलीस्ट 15 सेकंड तक जो टेम्परेचर है वो आपका 74 डिग्री सेल्सियस तक जा रहा है। ये जो रूल है ये सबसे पहले ऊपर आप लोगों को नज़र आ जाएगा। ठीक है, और आप लोग जो भी अभी वीडियोस को देख रहे हैं, आप ये सारी की सारी SOPs, हमारे पोस्टर्स, जो हमारी वेबसाइट है IHM गुरुकुल, जो कि हमारे ऑनर्स के लिए और हमारे जो शेफ्स के लिए या होटल मैनेजमेंट स्टूडेंट्स के लिए है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप ले सकते हैं। अब यहाँ पे कीप फूड सेफ बाय फॉलोइंग दीज रूल्स व्हेन रीहीटिंग फूड। तो 3 चीज़ें मैंने बता दी, एक रूल बता दिया 15 सेकंड और 74 डिग्री टेम्परेचर का। अब जो हम लोग रूल्स की बात करेंगे, रीहीट फूड इमीडिएटली आफ्टर रिमूविंग फ्रॉम द रेफ्रिजरेटर। अब आपने अपना खाना, ठीक है, जो भी रेफ्रिजरेटर के अंदर रखा है, और आपको उसको फटाफट, ये नहीं कि आपने रेफ्रिजरेटर से बाहर निकाला, निकालने के बाद 2 घंटे आपने आराम किया और उसके बाद आप खाना गर्म करें, ऐसा नहीं होना चाहिए। सीधा फ्रिज से आप अपना सामान निकालोगे और उसके बाद उसको आप गर्म करोगे, गर्म करने के लिए चाहे स्टोव पे, ओवन में या फिर माइक्रोवेव में। ठीक है जी, अब इसके सेकंड जो रूल है, रीहीट फूड टू द करेक्ट इंटरनल टेम्परेचर, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सेकंड नंबर का, आप देखिए ना ये। अब यहाँ पे जो इंटरनल टेम्परेचर मैंने बोला 74 डिग्री सेल्सियस, वो आपका होना ही होना चाहिए। अगर इतनी इस टेम्परेचर पे आपका फूड नहीं आ पा रहा है, तो कहने का मतलब है कि आपका खाना है वो गर्म नहीं हुआ है। तीसरा, यूज अ कैलिब्रेटेड फूड थर्मामीटर टू मेजर द करंट टेम्परेचर। तीसरे नंबर में अगर आप देखेंगे ना, तो ये है, क्योंकि अगर मैं 74 डिग्री सेल्सियस कह रहा हूँ, मैं कोई टेम्परेचर बता रहा हूँ, तो कैसे उसको नापोगे? तो यहाँ पे आपके पास जो थर्मामीटर होना चाहिए, यहाँ भी हमारे पास प्रॉपर थर्मामीटर है। ठीक है, रीहीट फूड वंस, आपको जो खाने को सिर्फ एक बार ही गर्म करना है। आप एक खाने को 50 बार या 10 बार या 2 बार नहीं कर सकते, एक खाने को आपको बनाना है, उसको फ्रिज के अंदर रखना है। हो सकता है कि आपका खाना ज़्यादा बन जाए और आप उसको गर्म करना चाहते हो, तो आप उतनी ही मात्रा लोगे जितना कि आपको गर्म करना है। ये नहीं है कि आपके पास 10 किलो दाल मखनी है, तो 10 की 10 किलो आप बाहर निकालोगे, पूरी की पूरी गर्म करोगे, उसको फ्रिज के अंदर रखोगे, नहीं। अगर आपकी 10 किलो दाल मखनी अंदर है और आपको चाहिए सिर्फ उस दिन के लिए 1 किलो, तो सिर्फ आप 1 किलो ही बाहर निकालोगे और 1 किलो को ही आप लोग क्या करोगे, गर्म करोगे। इसके बाद 5वां रूल है, सर्व द रीहीटेड फूड इमीडिएटली। 5वां रूल यहाँ पे आप देखिए। ठीक है, अब यहाँ पे जो आपने खाना गर्म कर लिया है, रीहीट कर लिया है, उसको भी आपको तुरंत सर्व कर देना है। उसके लिए भी वेट नहीं करना है कि भैया उसको मैं शाम को दूंगा, कल दूंगा, या मैं बाद में दूंगा।
छठा रूल यहाँ पे है, यूज द प्रॉपर इक्विपमेंट फॉर रीहीटिंग फूड। अब छठा यहाँ पे हमारा, ठीक है ना। अब प्रॉपर इक्विपमेंट का मतलब क्या है? ऐसे इक्विपमेंट जिसमें आपका खाना सही ढंग से गर्म हो। पहले तो हमारी जो रेंजेस होती हैं, ओवन हो गए, ठीक है, या फिर माइक्रोवेव हो गए, स्टोव हो गए। इसके बाद आपके जो पैंस हो गए, पैंस भी ऐसे होने चाहिए जिसमें कि खाना आपका गर्म हो रहा है। कई सारे पैंस ऐसे होते हैं, ठीक है, जिसमें आपको लगता है कि भैया मेरा खाना तो गर्म हो गया है, बट खाना गर्म नहीं होता, नीचे से जल जाता है, ऊपर तक या बीच तक उसका टेम्परेचर 74 डिग्री नहीं पहुंच पाता है। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान है। डू नॉट ओवरलोड रीहीटेड इक्विपमेंट, ठीक है। अब ये लास्ट है सबसे, ठीक है, इसको मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। अब इसका मतलब है डू नॉट ओवरलोड रीहीटेड इक्विपमेंट, ठीक है। अगर मान लीजिए जैसे मेरे पास माइक्रोवेव में खाना गर्म कर रहा हूँ, अब उसके अंदर अगर मान लीजिए मुझे कोई कंटेनर रखना है आधा किलो का, ये नहीं कि आप पूरा आधा किलो का पूरा उसको बर्तन को, ठीक है, या उस कंटेनर को भर दोगे और आप गर्म करोगे। एटलीस्ट आपको स्पेस देना है, एटलीस्ट आपके पास 25% स्पेस होना चाहिए उसको गर्म करने के लिए। आपको बिल्कुल फुल करके गर्म नहीं करना। इवन अगर आप स्टोव के ऊपर भी गर्म कर रहे हो, आपने कोई पैन रखा है, तो ये नहीं कि आप उस आइटम को या लिक्विड को कंप्लीटली फिल कर देंगे। आपको कुछ स्पेस देना है, गैप देना है, और आपको उसको स्टर भी करते रहना है। सेम माइक्रोवेव में आपको स्टर करना है ताकि जो नीचे का खाना है वो ऊपर आ जाए, ऊपर खा नीचे आपस में सारी मिक्सिंग हो जाए और जो उसका इंटरनल टेम्परेचर है वो 74 डिग्री तक पहुंच जाए। तो होपफुली जो फूड रीहीटिंग के बारे में आपको अब सब कुछ पता चल गया होगा और आप भी अपने जो खाने को पहले तो सुरक्षित फ्रिजेस के अंदर रखोगे और जब उनको आपको गर्म करना है तो प्रॉपर जो रूल है, रेगुलेशन है, हमारे रीहीटिंग के फॉलो करोगे। बाकी अगर आप लोग भी कोई फूड स्टार्टअप करना चाहते हैं या किसी भी एक नए कॉन्सेप्ट पे आरएनडी करना चाहते हैं तो आप भी अपने खुद के आरएनडी किचन स्टैब्लिश कर सकते हैं किसी भी सिटी के अंदर, इंडिया से बाहर, जिसके के लिए आप हमको भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।